कसाई लोगों की तकरीबन एक बकरे के 5 से 6 हजार रुपए चार्ज कर रहे। आज ईद का दूसरा डे है, तो कल बताया था मुझे हमारा एक बकरा बचा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर पहले कल रात में दोस्तों के साथ रह के उठ के घर लेट आ गया और लेट पहुंच के लेट नाश्ता किया। अम्मी डांट रहे, सब वाले साहब डांट रहे, शुभ भाई डांट रहे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कसाई आ चुका है, वो अभी अपने काम पे जा रही है, वो शो नहीं कर पा, मैं शो नहीं करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह सब कटने के बाद एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। काम चालू है अभी, सभी नीचे काम चालू है अभी, यहाँ पे कसाई ये कर रहे हैं। तो मैं सोचा आज एक दिन के लिए मैं भी थोड़ा कोशिश करूँ कुछ मारने का, आज के लिए कसाई बन जाऊँ। तो अभी मैं पूछा हूँ उनसे इजाजत कि दो तीन ये क्या बोलते हैं शॉट जो मारते हैं ना, ऐसा दो तीन करता हूँ, तो उन्होंने इजाजत दी, लेकिन देख दिखा के करने के लिए कहा है। तो अभी मैं जाके करूँगा, आप देखते रहिए, बने रहिए। जज़ाकअल्लाह। दोपहर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैं भागते हुए मस्जिद की तरफ चले गया ताकि जमात ना छूट जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात चालू थी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज अदा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी जानते हैं कि आज दो तीन दिनों से कसाईयों की इतनी डिमांड हो गई है, मैं समझ रहा हूँ कि टू डेज के लखपति लोग हैं, माशाल्लाह से मिलीनियर्स भी कह सकते हैं, इतना डिमांड है। एक एक बकरे के लिए हमारी तरफ जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, कसाई लोगों की तकरीबन एक बकरे के 5 से 6 हजार रुपए चार्ज कर रहे, एक बकरे की फुरमानी की। तो मैं सोचा कि मैं भी जाके कुछ ये करूँ, तो अभी वो हो चुका है उनका, तो अभी जैसे जाके दो तीन पीस मारता हूँ मैं भी, आप देखते रहिए बने रहिए। कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी है हमारी, अब जाके फ्री हुए हैं। शोब भाई सुबह से उन्हीं के साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह बांटने का काम शोब भाई ही किए थे, और अभी इतनी सुस्ती महसूस हो रही है, मुझे तो नींद आने का मन है, लेकिन मुझे बहुत सारे काम है। सबसे पहले अब जाना है, शूट करना है, और दूसरा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है, बहुत बढ़िया वाला इंशाल्लाह। शोब भाई इंशाल्लाह आप देखते रहिए, बने रहिए। जज़ाकअल्लाह। तो गाइस अभी ईशा का टाइम हो गया है, हम लोग ईशा की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि आज मौसम इतना ठंडा था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी। ईशा के बाद मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा था ईद की मुबारकबादी देने के लिए, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए चले गया। तो गाइस रात रात सड़न से प्लान बन गया हमारा, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे आके चाय पिए पिस्ता हाउस पे, तो अभी हम लोग चाय पी रहे, लेकिन मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं रस खा रहा हूँ, केक रस, क्योंकि चाय रात में मैं अवॉइड करता हूँ, दिन में पीता हूँ चाय में। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। अब हम लोग एक जगह, इसी जगह जा रहे जो आप लोगों को सरप्राइज करेगी इंशाल्लाह, बस बने रहिए आप लोग। पिस्ता हाउस के बेकरी के सेक्शन की तरफ चले गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम स्टॉक था, लेकिन ये जो ऊपर वाला था यही सबसे फ्रेश दिख रहा था हम लोगों को, और यासिन भी बोल रहा था कि कुछ भी न्यू स्टॉक नहीं आया, नॉर्मल से यहाँ उस्मानिया बिस्किट भी बहुत अच्छे रहते हैं। पिस्ता हाउस से लेके जाते हैं ना, तो वैसे अभी मैं पिस्ता हाउस आया हूँ, सोचा कि कुछ अपने भांजी के लिए भतीजों के लिए कुछ ले लूँ, तो देखा कि बहुत बढ़िया थे। यासिन भाई क्या है प्राइस इसका? माशाल्लाह दो तीन आइटम कुछ ले लो आप, लेकर चलेंगे हम लोग बच्चों के लिए, ठीक है? देखिए क्या अच्छा रहेगा। तो बच्चों के लिए दो मफिन्स की पैकेट निकल चुके वापस अपने गाड़ियों की तरफ, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था, 9:30 के आसपास हो गया था। आज घर पे जल्दी भी जाना है क्योंकि वाले सब डांटेंगे। की तरफ से चाय की दावत थी, मैं बच्चों के लिए सरप्राइज करने के लिए कुछ मफिन लेके जा रहा हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहेगा। चलिए मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं, तो देखते हैं इन लोग यहीं से इंतजार कर रहे हैं, इनका रिएक्शन क्या रहेगा अब देखते हैं इनको दिखाने के बाद। बच्चे सारे बहुत खुश हो गए, जैसे कि इनके चेहरे आप लोगों को बता रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट माशाल्लाह से। मैं इनको सरप्राइज करने के सोचे भी नहीं थे, और कल के आइसक्रीम की वजह से मुझे घर में डांट पड़ी थी, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में, मतलब बारिश के मौसम में बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो इस वजह से बहुत खुश हो गए माशाल्लाह से। अज़हकअल्लाहु सिन्नक।
भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा प्यार दो मरवान को और चैनल को सब्सक्राइब करो जो सब्सक्राइब नहीं किया है। और बहुत ही जल्द अभी मरवान से मैंने कुछ चीज़ डिस्कस किया है कि